वेलकम टू विजन एमबीए। आपको देख के पता चल ही गया होगा ऑफ कोर्स, और टाइटल भी है वीडियो का, विच इज द बेस्ट बुक फॉर मी, मेरे लिए सबसे बेस्ट बुक क्या है, एंड हाउ टू सिलेक्ट द बुक फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो कैट हो, सीटी हो, जैट हो, स्नैप हो। अब सवाल ये आता है कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी होती है या कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए। सो गाइज, इस सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है, जो आपको पता होना चाहिए और कैसे करना है वो आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। नाउ गाइज, सबसे पहली चीज कि आपको ये अपने आप से सवाल पूछना है, या आपको ये पता होना चाहिए कि एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन जज क्या करते हैं, एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन किस टाइप का होता है, या उसका क्या डिफरेंस है स्कूल और कॉलेज के एग्जामिनेशन से। या तो आप इतने मोटे मोटे जो बुक आते हैं ऑथर्स के, ये भी अच्छे होते हैं, या पढ़ सकते हैं इनसे, लेकिन दिक्कत क्या है कि इन सभी बुक्स में पूरा नॉलेज मिक्स होता है। मतलब कैसा, मेरे कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल लॉजिक की बुक हो या क्वांट की बुक हो या वर्बल की हो, वो आपको सारा कंटेंट देते हैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। एक छोटी सी चीज़ को उन्होंने बहुत ही लंबे तरीके से एक्सप्लेन किया होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया होता है, और उस पर फिर क्वेश्चंस होते हैं ईजी, डिफ़िकल्ट, मीडियम लेवल के, और जिसकी वजह से वो बुक बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती है। अब जब आप कोई कोचिंग क्लास में इनरोल करते हैं या कोचिंग क्लास से पढ़ते हैं, तो आपको हमेशा सिंक्रनाइज्ड बुक मिलती है, और सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाता है, उतना ही बताया जाता है जितना एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 10th 12th या आपने ग्रेजुएशन में रिफ्रेशर्स खरीदे होंगे, CBSE, स्टेट बोर्ड या, तो आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। नाउ गाइस, दीज आर द बुक्स विच वी प्रोवाइड फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर CT, MAT, TIS, CMAT एंड ATMA। अब आप देखो, इतनी पतले से बुक्स हैं क्वांट, वर्बल, लॉजिक के, और साथ में वर्ड पावर मेड इजी वी ऑल्सो प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर, क्या इतने बुक्स सफिशियंट हैं? यस, इतने बुक्स सफिशियंट हैं फॉर यू गाइज टू नो एंड नो व्हाट द कॉन्सेप्ट्स आर। प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं होती। अब गाइज, एक और चीज़ मज़े वाली है कि आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं वो ऑनलाइन होते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने के बाद बुक से, आपको एक बार समझ में आ गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप की डिफ़िकल्टी होती है, या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है एग्जामिनर से उन पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में, फिर आपको ऑनलाइन मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पढ़ाई नहीं करते, लेकिन वो बुक्स पे बुक्स खरीदते चले जाते हैं। दे फील दैट दिस बुक इज नॉट सफिशियंट एंड दे बाय अनदर बुक, देन दे बाय अनदर बुक थिंकिंग दैट यस, मुझे इस बुक से पढ़ने पे अच्छा स्कोर आ जाएगा। घर पे बुक्स के ढेर बढ़ते जाते हैं लेकिन स्कोर नहीं आता। गाइज, आई वॉन्ट टू टेल यू, हर एक बुक सही होती है। नाउन की डेफिनेशन एक्स बुक में या वाई बुक में या ए बुक में या बी बुक में सेम रहेगी। सिमिलरली गाइज, चाहे आपका परसेंटेज का फंडा हो या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी का, आपके क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, लेकिन आपकी इस इनसिक्योरिटी पे और आपकी इस फुलिशनेस पे कि ये बुक बेटर है, ये बुक सही है, कई सारे लोग अलग अलग बुक्स पब्लिश करते हैं और उन्हें क्लेम करते हैं कि ये बुक ज़्यादा बेटर है। गाइज, कोई भी बुक आप पढ़ लो, हर बुक सही होती है, बस फर्क ये है कि आपने कितना उससे कॉन्सेप्ट सीखा। दैट्स द रीज़न यू नीड अ फैकल्टी और अ मेंटर और अ गाइड टू टेल यू कि भाई कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है। व्हेनेवर यू इनरोल इन अ कोचिंग क्लास, यू डू नॉट पे फॉर जस्ट द बुक्स और सेशंस, वो तो कोई भी दे देगा जहाँ पर भी आप पढ़ेंगे, बट यू पे फॉर गाइडेंस, यू डू नॉट पे फॉर फीलिंग गुड और मोटिवेशन, बट यू फील, यू शुड फील नॉट फीलिंग गुड इन द क्लास रूम बट इन एग्जामिनेशन। मोटिवेशन के लिए आपको, अगर आप एडमिशन ले रहे हो मोटिवेशन पे, तो गाइज दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। यू प्लीज़ पे अटेंशन ऑन द कॉन्सेप्ट्स कि भाई ये जो बंदा या बंदी बात कर रहा है, क्या ये एग्जाम में मुझे काम आने वाला है, किसी को मुझे अच्छा लग रहा है। ड्रीम्स देखना और टारगेट अचीव करना, टारगेट सेट करना, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। नाउ यू नीड टू बी मोर सेंसिबल, मोर रियलिस्टिक, और यू वॉन्ट टू लिव इन योर लाला लैंड, सपनों में। सो गाइज, द कॉल इज़ योर्स। सारे बुक सही होते हैं, कोई बुक अच्छी या बुरी नहीं होती। द क्वेश्चन इज, क्या आपने समझा उस बुक को, और फिर उसने उसके बाद में आपने उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन आर मोर एंड मोर गेटिंग टूवर्ड्स थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, बिकॉज टू बी अ मैनेजर यू शुड नॉट बी ग्रेट इन क्वांट, यू शुड नॉट बी द नेक्स्ट शेक्सपियर और नेक्स्ट मैथमेटिशियन, बट देन यू शुड बी एबल टू थिंक, एनालाइज एंड टेक्स द राइट डिसीजन। दैट इज द रीजन गाइज आई वॉन्ट टू सजेस्ट दैट वेदर यू वॉन्ट टू स्टडी फ्रॉम
ऑथर्स बुक और यू वॉन्ट टू स्टडी फ्रॉम द कोचिंग क्लास बुक, वॉट यू पे अटेंशन इज दिस दैट, क्या मुझे वो लोग सेंसिबल तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, नहीं. सो दिस इज वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड. दैट्स इट गाइज, ऑल द बुक्स आर गुड, इट इज हाउ यू यूज देम दैट डिफाइंस. क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं, जादू उस बैट में नहीं होता, जादू उन हाथों में होता है जो उस बैट को यूज करके रन बनाता है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड. Thank you.